हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे पावर ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर न्यूमेरिकल। इससे पहले वाली हमारी जो वीडियो थी ना, उसमें हमने आपको बताया था पावर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में कि किसके क्या इसके फॉर्मूला होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, और साथ ही साथ में इसकी हमने कुछ पॉइंट्स भी लिखवाए थे। यदि अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे जाकर वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज न्यूमेरिकल्स। आज सिर्फ और सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। देखो बच्चों, हमारे जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, हम सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर वन की। देखो, न्यूमेरिकल फर्स्ट में क्या दिया है, हमारे पास लेंस ए है जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हमारा लेंस बी है, ये कौन सा बी लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दी है, दूसरे की फोकल लेंथ दी हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो हमें रीजन देना है कि किसकी पावर ज्यादा होगी, ए की पावर ज्यादा होगी या फिर बी की ज्यादा पावर होगी। देखो, ए की फोकल लेंथ हमारे पास 25 सेंटीमीटर दी है, बी की हमारे पास 60 सेंटीमीटर दी है। मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से लेंस होगा, चाहे वो कॉन्केव हो सकता है या कॉन्वेक्स हो सकता है। अब ए की फोकल लेंथ, यहाँ पे उसकी फोकल लेंथ होगी 25 और इसकी ज्यादा दूर होगी क्योंकि 60 सेंटीमीटर ज्यादा दूर होता है। तो आप बताओ बच्चों, इस तरीके से हमारी ले आएंगी, पहले ले आती है वो कहां पे जाकर मिल जाती है, फोकस पे। तो इसका फोकस हमारा कुछ यहाँ बना हुआ, उसी तरीके से दूसरी आई होगी तो इसका फोकस हमारा यहाँ बनेगा, ये फोकल लेंथ। तो बताओ हमारी जितनी ज्यादा डाइवर्स, ये कहां पे हमारा बड़ा वाला एंगल बन रहा है, इस बार यहाँ पे हमारा क्या होता है, ज्यादा बड़ा एंगल बन रहा है, यहाँ पे हमारा छोटा एंगल बन रहा है। क्यों यहाँ पे हमारा, देखो यहाँ छोटा एंगल क्यों बन रहा है, क्योंकि हमको कम डाइवर्स हो रही है, कम डाइवर्स हो रही है, यहाँ पे ज्यादा डाइवर्स हो रही है, यहाँ कम डाइवर्स हो रही है। इसलिए जहां पे हमारा छोटा एंगल बनेगा वहीं पे क्या होगी, हमारी पावर ज्यादा होगी। जितना छोटा एंगल जितना ज्यादा बड़ा एंगल उतनी ज्यादा पावर यहाँ पे। तो बड़ा एंगल कब होगा, यहाँ पे ज्यादा बड़ा एंगल हो रहा है तो फोकल लेंथ हमारी क्या हो गई, छोटी हो रही। मतलब कि हम सीधा कह सकते हैं जहां पे हमारी फोकल लेंथ छोटी होगी वहां पे हमारी पावर ज्यादा होगी। तो हमारे पास लेंस ए की पास, अगर तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे सॉल्यूशन में कि लेंस ए की पास कैसी होगी हमारी पावर ज्यादा, यहाँ पे लिखेंगे लेंस ए एज मोर पावर बिकॉज इट हैज शॉर्ट फोकल लेंथ, क्योंकि इसके पास कैसी है, हमारे पास शॉर्ट फोकल लेंथ है, इसलिए इसकी पावर कैसी है, ज्यादा होगी। ठीक है, यही पूछा था हमारे लिए, यही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखो बेसिक सा है, हम बेसिक्स टू हाई जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया गया, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस दिया हमारे पास, कितने दिए फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो हमारे लिए बताना है पावर क्या होगी इसकी। ठीक है, तो पावर सिंपल, पावर का फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू में 1/f। अब फोकल लेंथ हमारी किस, ये क्वेश्चन टू है हमारा, सॉल्यूशन टू। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन टू है, तो हमारी फोकल लेंथ को हम किस, फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिए सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ा, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। 100 से डिवाइड करेंगे क्यों, सेंटीमीटर से मीटर, तो हमारे एक तरीके से, तो यहाँ पे सीधा हम ले सकते हैं 0.25 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर। देखो सिंपल, 100 से इंटू कर दिया, क्या 100 से डिवाइड कर दिया। अब ये दो पॉइंट के बाद यहाँ सीधे जीरो लगा दी, कैंसिल करते तब भी हमारा कितना बचता, 1.4। फिर वापस यहाँ पे जीरो लगाते, फिर यहाँ 10 होता, फिर 2, फिर 10, इस तरीके से सिंपल हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी भी पावर इज इक्वल टू में 1/ फोकल लेंथ कितनी है, 0.25। अब यहाँ से जो 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 100। ठीक है, अब देखो हमने 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4। तो हमारी +4 डायोप्टर पावर हमारी कितनी आ गई, +4 डायोप्टर। देखो आपको साइन लिखना जरूरी है, प्लस या माइनस से हम ये इंडिकेट कर सकते हैं हमारे कॉनकेव लेंस की पावर है या कॉनवेक्स लेंस की पावर है। तो हम जब प्लस डायोप्टर आता है तो हम क्या कह सकते हैं, ये कॉनकेव लेंस की पावर है। क्यों, पॉजिटिव हमारी कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा क्या हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में फोकस पे हमारी जितनी भी रेस आती है आगे जाकर फोकस पे मिलती है, तो हमारी इंसिडेंस रे के अलोंग डायरेक्शन में रहती है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की। तो पहले मैं इसे रफ करता हूं, ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ लेंस हैविंग अ पावर। देखो हमारे पास लेंस, अभी हमें पता है नेचर बताना है, कैसा नेचर होगा, मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारा कौन सा लेंस होगा, लेंस के बारे में बताना कि हमारा कौन सा लेंस होगा। जब हमारा पॉजिटिव डायरेक्टर कितना होगा, पहला पॉजिटिव 0.5D और दूसरा -4D। तो देखो पहले दो केसेस दो हैंगे, तो पहले क्वेश्चन नंबर
तो पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर थर्ड, पहले और केस नंबर फर्स्ट, ए पॉइंट की बात करें यहाँ पे आप डालेना ए पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा बी पॉइंट। पहले हम पाते हैं हमारे पास पावर कितनी है, प्लस फोर पॉइंट ये दिए, 0.3 0.5 डायरेक्टर दिए। अब नीचे का मतलब है हमारे पास कौन सा लेंस हुआ, अब बताओ फोकल लेंथ, ये वाला हमारा एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव, ये कौन सा कॉनकेव लेंस है। अब ये बताओ ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, अब इसमें हमारी फोकल लेंथ आगे होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तभी तो हमारा डायरेक्टर पॉजिटिव होता है, तो इसमें हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है और इसमें हमारी रेस एक्चुअली इस तरीके से मीट करा देती है तो इसमें पीछे रहती है, तो पॉजिटिव किसमें होगी, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में, सॉरी पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। अब उसी तरीके से हम बी की बात करें, बी में हमारे पास कितनी दी है, माइनस 4d, अब इसका नेचर कैसा हुआ, डी मतलब फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होगी तभी तो हमारी पावर नेगेटिव आई, तो उसमें हमारी फोकल लेंथ है, तो ये कौन सा केस होगा, कॉनकेव के, कॉनकेव लेंस, इसका नेचर कैसा हुआ, लेंस डाइवर्जिंग नेचर, जिसमें क्या होगी हमारी डाइवर्जिंग लेंस, ये कैसा डाइवर्जिंग और ये क्या है कन्वर्जिंग लेंस, इसमें ये कैसी हो जाती है हमारी कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हमारे पास, दिया फोकल लेंथ कितनी दी है, माइनस 10 सेंटीमीटर, और पावर हमें बताना है, पावर बतानी है और साथ ही साथ में नेचर बताना है, नेचर का यहाँ पे मतलब है कौन सा लेंस होगा। ठीक है, देखो आपको लेंस सिंपल है, सिंपल कह सकती है पावर नेगेटिव आ रही तो हम उससे लेंस को सीधे दे, और देखो पावर नेगेटिव आ रही है, देखो सॉरी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो हमारी पावर भी नेगेटिव आ रही, तो बस उससे तरीके से बना सकती है, तो हमारा लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस, ये कुछ इस तरीके का लेंस होगा, क्यों उसमें इधर होती है हमारी फोकल लेंथ, हम इधर मानते हैं, वैसे तो हमारी इस तरीके से ऐसी लेंस चली जाती है लेकिन हम क्या मान लेते हैं वो इधर आके मीट कर जा रही है, मान लेते हैं वैसे ऐसी चली जाती है लेकिन हम मान लेते हैं वो इधर आके मीट कर रही है, तो इस तरीके से बता रही है सीधे कह सकते हैं नेचर कौन सा है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 4 की बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले हमारे पास फोकल लेंथ कितनी दी है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू में दी है माइनस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दी, तो सबसे पहले हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 के आंसर, तो हमारी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, माइनस 0.1 देखो ये 10 ऊपर जाएगा तो 0.1 फोकल लेंथ हमारी माइनस में आ गई मीटर। अब सीधी पावर कैलकुलेट करते हैं, पावर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगी 1/1 में माइनस 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 और हमारी फोकल सीधी, अब यहाँ फोकल लेंथ क्या होती है, यहाँ पे सीधे फोकल लेंथ रख देंगे इज इक्वल टू में फोकल लेंथ की 1/1 में माइनस 1/0 तब यहाँ से ये देखो ये माइनस यहाँ से ये ऊपर क्या जाएगा 10 और ये माइनस आने तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो हमें प्लस सॉरी माइनस 10 डायरेक्टर, हमारी पावर माइनस 10 डायरेक्टर कैसे आ गई, ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, क्यों या तो आप कह सकते हो हमने दोनों साइड माइनस से डिवाइड कर दिया, तो ये माइनस माइनस कैसे हो जाएगी प्लस और ऊपर साइन कैसा हो जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, और लेंस की बात करें कौन सा लेंस होगा, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में हमारी कैसी फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है और पावर भी नेगेटिव रहती है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो हमारे पास दो लेंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कितने दो लेंस है, एक का लेंस का नाम है ए, दूसरा है हमारा बी लेंस, और दोनों की पावर दी है। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं, पहले हम ये इस बार इतना पहले आप इसको भूल जाओ, ये इतना भूल जाओ। ठीक है, जिसकी हमारे पास पावर कितनी दी है, 2 डायरेक्टर दी है, पॉजिटिव 2 डायरेक्टर दी है, तो हमें बताना है व्हाट इज द, हमें देखो दो क्या बताना है, व्हाट इज द नेचर, नेचर बताना है और दोनों की इसकी फोकल लेंथ बताना। पहले तो केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट और सॉल्यूशन 5। ठीक है, केस फर्स्ट की जब हम उसमें कितनी दी है, पावर कितनी दी है, पॉजिटिव 2 डायरेक्टर दी है, तो हमें सबसे पहले फोकल नेचर बताना है, कौन सा नेचर होगा, पॉजिटिव दिया तो हमारा कौन सा होगा नेचर, कैसा हो जाएगा, कॉनकेव कॉनवेक्स 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 लेंस। ठीक है, ये तो सिंपल है, पॉजिटिव किसमें होती है, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगी। आप फोकल लेंथ भी बता देंगे, पावर इज इक्वल टू में क्या होता है 1/f, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू में लिख सकते हैं 1/p में, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम सीधे लिख सकते हैं 1/2 में 2 पावर कितनी दी है, 2 डायरेक्टर दिए, तो हम सीधे लिख सकते हैं यहां से, आप देखो यहाँ पे हमें इसको कैंसिल करना है, तो 0 यहाँ पे लगा देंगे 1 एक 0 देखो 0 लगा दी, तो यहाँ और यहां से कर दिया 5, तो हमारी 5 मीटर और हमें से क्या लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर, क्यों यहाँ पे हमने क्या कर दिया 100 का इंटू कर देंगे, देखो जब
छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम इंटू करते हैं, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है छोटी से बड़ी में तो हम डिवाइड कर रहे थे, देखियो इसमें इंटू कर दिया एक जीरो था, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, हमने सीधा लिख दिया 50 सेंटीमीटर। आई होप ये तो बेसिक सा था, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट केस फर्स्ट। अब उसी की तरह केस टू की बात करें, इसमें दो केसेस थे, दो केसेस में हमारी पावर कैसी दी, इसमें दी है -4 डायोप्टर। अब माइनस पावर दी है तो नेचर हम सीधे बता सकते हैं, नेचर जब माइनस होता है तब हमारा कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। देखो बच्चों रटो मत, डायग्राम बना लो आप तो सीधा, ये हमने कौन, एक मिनट, कॉनकेव लेंस होगा यहाँ पे, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, ठीक है यहाँ पे सही लिखा है ना, हाँ कॉनकेव लेंस। देखो ये एक बताओ सीधी बात, हमारी फोकल लेंथ देखो इस साइड हमारी, ये इधर बनती इसकी फोकल लेंथ, वैसे ऐसी रेस आती है इस तरीके से चली आती तो हम बात कर लेते हैं, इधर आके मीट कर रही है, ये इस तरीके से आई इधर चली गई, हम लगता है ये मीट कर रही है, तो ये मीट करें तो इसका फोकस हम इस साइड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, इधर जाती तो इधर जा रहा है तो नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, सीधे पता चल रहा है यदि हमारी पावर नेगेटिव तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव तो उससे पता चल रहा है कॉनवेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। और दूसरा फोकल लेंथ, सबसे पहले फोकल लेंथ के लिए, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p इज इक्वल टू 1/-4, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम सिंपल करेंगे 0. यहाँ पे भी लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे। अब ये देखो ये माइनस आने ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे भी हमारा माइनस आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 2 टाइम करेंगे तो यहाँ पे 2 4 2 8 तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, और एक जीरो लगा दिया 20 टू फाइव जा 20 सॉरी तो यहाँ पे 2 5 जा 20 एक जीरो लगा दी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 जा 20 तो ठीक है। F इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा -0.25, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फोकल लेंथ हो जाएगी, ये मीटर में आएगी और सेंटीमीटर में हम कैसे ले सकते हैं 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये देखो ये मीटर में आई, मीटर से हम सेंटीमीटर में क्या कर देंगे 100 का इंटू कर देंगे तो हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। 100 का इंटू कर देंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बेसिक से क्वेश्चन थे, अब हम थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। आई होप ये नोट करो, मैं बाकी और क्वेश्चन नोट करता हूं। तो देखो अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया है, हमारे पास आप फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस S1 प्लस में दिए फोकल लेंथ, आपकी बार कितनी दी है 150 मिलीमीटर दिया है, तो हमें बताना व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज, हमें बताना कि कौन सी काइंड का लेंस होगा, मतलब कॉनकेव लेंस होगा या कॉनवेक्स लेंस होगा, और साथ ही साथ में हमें बताना है इसकी पावर क्या होगी। तो देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा लेवल क्या बढ़ा दिया गया है, यूनिट्स चेंज कर दिए। तो देखो यूनिट्स हमारे फोकल लेंथ कितनी दी है, फोकल लेंथ दी है 150 मिलीमीटर, तो आपको ये तो पता ही होगा 1 मीटर इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, तो आपका 10 मिलीमीटर होता है। अब मिलीमीटर से देखो, अब हमें डायरेक्ट में किसमें आना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में हाउ मेनी मिलीमीटर, मिलीमीटर तो कितना लिख देंगे सीधा 1000 इसका 10 का और इंटू कर देंगे 1000 मिलीमीटर, तो हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्या सीधा 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें कितने 1 मिलीमीटर, हमें मिलीमीटर की बात की है यहाँ पे, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू में क्या करना है हाउ मेनी मीटर, तो 1/1000 में डिवाइड कर दिए तो हम 1 मिलीमीटर का निकाल देंगे, तो हमें क्या लगेगा यहाँ 1000 1060 कैंसिल, तो हमारा कितना होगा 0.15 मीटर। अब हम सीधा मीटर में निकालेंगे, ये आपको ऐसा ना भी समझ आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप तो सीधा याद रखो 1 मीटर इज इक्वल टू में क्या होता है 1 मीटर में, हमें मीटर में सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, किससे डिवाइड करेंगे सीधा 1000 से, मिलीमीटर से आया सीधा 100 से करेंगे, सॉरी सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर में, और मिलीमीटर में क्या करना पड़ेगा आपको 1000, क्योंकि मिलीमीटर सेंटीमीटर से छोटा होता है 10 कम होता है, ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं इसको तो पहले रफ करता हूँ, आप सीधी अपन बात आते हैं पावर के ऊपर, पावर इज इक्वल टू में क्या होता है 1/फोकल लेंथ, ठीक है। सिंपल में हमारी फोकल लेंथ कैसी दी थी पॉजिटिव, तो हमें सिंपल ऐसी पॉजिटिव बनी रही तो 1.5, अब एक जीरो से यहाँ से ये दो जीरो थे, ये दो पॉइंट के बाद था तो यहाँ पे सीधे ऊपर दो जीरो जाएंगे, तो सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं 5 से, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 20/30, तो हम 20/3 तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना टाइम जाएगा 6/18, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2.666, इस तरीके से हमारा जाता जाएगा, और ये हमारी क्या रहेगी पावर, तो हम सीधे लिख सकते हैं, तो आप सीधे लिख दो +1 6.6 डायरेक्टर, या फिर आप 1 पॉइंट नंबर बढ़ा दोगे 6.7 डायरेक्टर, इस तरीके से, क्योंकि हम देखो हमारा 5 या 5 से ज्यादा कोई नंबर आता तो हम क्या करते हैं 1+ कर देते हैं और ये नंबर को गायब कर देते हैं, तो इसलिए हमने सीधे क्या कर दिया यहाँ पे 7 लिख दिया, और साथ में हमें क्या पता कौन सी काइंड का लेंस है, आपको पता पावर
इसमें पॉजिटिव है, फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव इस तरीके से हमारे लेंस है। अब फोकल लेंथ इसमें इधर होती है तो देखो ये पॉजिटिव, उसी वजह से हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, ये इस तरीके से इसमें फोकल लेंथ हमारी इस तरीके से लाइट जाएगी और फोकल लेंथ यहाँ बनेगी। हम वैसे तो ये डाइवर्ज हो जाती है तो हमको ऐसा लगता है वो लेंस की के हमें अपीयर कर देती है, ऐसा लगता है वो पीछे आके हमारे इस फोकस पे यहाँ से आ रही, जहां पे हमारी लाइट रे मिस करती है उसी को हम क्या कहते हैं फोकस। तो इसमें उल्टा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में रहते हैं तो हमें क्या लगता है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में रहेंगे। हमने रूल्स पढ़े थे जो भी लाइट हमारे इंसिडेंट डायरेक्शन के हिसाब से जितनी भी हमारी डिस्टेंसेज होंगी तो इसमें हमारी डिस्टेंस इस तरफ थी, इसमें डिस्टेंस इस तरफ थी, नेगेटिव फोकल लेंथ होती, इसमें पॉजिटिव, तो हमारी कौन सा लेंस हो जाएगा यहाँ पे आप सीधा लिख देना कॉनवेक्स लेंस। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो हमारे पास दो लेंस दिए हैं ए एंड बी और दोनों की पावर दी है। देखो दो क्वेश्चन बन जाएंगे, पहले में डी की उसे हमें बताना लेंस से बताना कि नेचर कैसा हुआ और फोकल लेंथ कैसी होगी ईच लेंस, यहाँ पे साथ में लग देना ऑफ ईच लेंस, ईच लेंस हमें। तो देखो इसके ये आपके लिए होमवर्क है, अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल ऐसा ही सेम था, तो ये आपके लिए होमवर्क है। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या करना है। हमारे पास लेंस है ए लेंस पहला लेंस है, पहला लेंस पहले तो आप लिखना लेंस ए और उसके लिए आपको पावर लिखना सीधी ये प्लस और दूसरा डे केस डालना बी, उसमें लेंस लिखना बी और आप पावर लिख देना कितनी रहेगी और आप फिर इसका नेचर बताना और इसकी फोकल लेंथ बताना है, इसकी पावर बताना है और इसकी फोकल लेंथ बताना, ये दोनों चीजें ही बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में आंसर करके बताना। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 के बारे में। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 8 में हमारे पास दिया फोकल, हमारे पास फोकल लेंथ दी है। देखो फोकल लेंथ ऑफ आ फोर कॉन्वेक्स लेंसेस, हमारे पास चार कॉन्वेक्स लेंस दिए और चारों की फोकल लेंथ दी। तो जो हमारा देखो पी क्यू आर एंड एस, पहले की थी हमारे पास 20 सेंटीमीटर, क्यू की दी हमारे पास 15 सेंटीमीटर, आर की दी हमारे पास 5 सेंटीमीटर और एस की दी हमारे पास 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब कंटिन्यूसली दिए गए। तो हमें बताना है किसकी पावर ज्यादा होगी, P की, Q की, R की, S की, आप बता सकते हो किसकी होगी। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जिसकी फोकल लेंथ पास में हुई उसका उतना ही डाइवर्ज होगा, उतना ही डाइवर्ज हो रहा है जिसकी फोकल लेंथ। देखो ये हमारे पास ये दो लेंस है, इसकी कौन सी लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास लेंस है। तो हमने देखो ये इस तरीके से हमारे दो लेंस बन गए। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर का एरिया और एक केस बना लेते हैं सबसे ज्यादा कौन सा 10-20 सेंटीमीटर, ये आई तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 20 सेंटीमीटर होगा। तो ये देखो तो वैसे ऐसी सीधी जाना चाहिए थी, ना लेके वो ऐसी बेंड हुई, इसमें भी हमारी सीधी जाना चाहिए लेकिन इसमें भी हमारी बेंड हुई। तो देखो बच्चों इसमें ज्यादा बेंड हुई, इसमें कम बेंड हुई है, तो इसका इन्हें ज्यादा जितना डाइवर्स उतनी ज्यादा पावर, तो इसमें ज्यादा पावर तो इसका मतलब किसमें किस लेंस में ज्यादा पावर होगी कि पी में होगी या क्यू में होगी क्या, आर की कितनी दी है 5, तो इसकी में सबसे ज्यादा पावर होगी, क्यों इसकी फोकल लेंथ सबसे कम, जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम होती है उसकी सबसे ज्यादा पावर होती है। वैसे तो मैं सब कुछ बता चुके हैं, तो इसी के साथ अब हम थोड़े से और लेवल के बढ़ाते हैं, दो क्वेश्चन और देते हैं जिससे आपको और बेसिक्स क्लियर हो जाएगी। तो आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। तो देखो अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 9 और 10, इनसे आप इन दोनों क्वेश्चन से आपके सारे टाइप्स के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल 9 में क्या दिया, देखो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दी है 10 सेंटीमीटर दी है, उसको कॉन्टेक्ट कर दिया, दोनों को मिला दिया, कौन सा लेंस था हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये इस तरीके से हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, और इसे किससे कॉन्टेक्ट, कॉनकेव लेंस से, कॉनकेव लेंस से मिला दिया गया जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने दोनों लेंस को मिला दिए, ये कॉनकेव लेंस, ये कौन सा हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये कौन सा लेंस हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव लेंस और हमारे पास इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है 20 सेंटीमीटर दी है। तो हमें बताना फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो हमें बताना कि जो लेंस की कंबाइन कर दिया दोनों की, तो फोकल लेंथ कंबाइन फोकल लेंथ वो पूछिए, एक एक की फोकल लेंथ नहीं पूछी, एक एक की तो हमारे पास गिवन ही है, कंबाइन दोनों को मिला के अब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था फोकल लेंथ का, क्या बताया था, वन क्या बताया था, वन अपॉन एफ नेट इज इक्वल टू में क्या होता है वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन में एफ टू। तो ठीक है, हमारा पैरेलल लेंस की एफ वन कौन सा हो जाएगा पैरेलल लेंस, कॉनकेव लेंस के कितनी थी हमारे पास फोकल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। देखो इसकी फोकल लेंथ हमारी कैसी होगी पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसकी पॉजिटिव क्यों होगी हमने देखो अभी बताया था, जब हमारी इंसिडेंस रे आती है और दूसरी साइड मीट करती है तो इस साइड इंसिडेंस रे के डायरेक्शन इधर की लेंथ होगी फोकल लेंथ, इस साइड ही मेजर कर रहा है ना इंसिडेंट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही तो मेजर कर रहा है, इधर इंसिडेंट इधर फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से इंसिडेंस रे आती है और ऐसी डाइवर्ट हो जाती है, तो हम उसे मान लेते हैं कि वो अपीयर होकर यहाँ मिल गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस रहती है तो यहाँ पे वो मिल गई, तो इसकी इधर इंसिडेंट रे इधर फोकल लेंथ, इधर इंसिडेंट रे
लेफ्ट साइड फोकल लेंथ, उल्टी इधर फोकल लेंथ नाप रहा है, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं तो इधर आ रहे, लेफ्ट साइड आ रही, लेकिन इंसिडेंट राइट साइड, तो ये इसकी कैसी होती है नेगेटिव एफ, इसकी कैसा रहता है पॉजिटिव एफ रहता है। तो हम देखो दूसरा कौन का कॉनकेव लेंस, ये तो कौन सा था हमारा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में हमारी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी नेगेटिव -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बस कंबाइन फोकल लेंथ, अब दोनों को ये एफ1 और यहाँ पे होता है F2, बस सिंपल ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 और यहाँ पे हो जाएगा देखो ये प्लस साइन, यहाँ पे ये प्लस साइन और ये कौन सा -20 सेंटीमीटर, -20 क्योंकि ये लेंथ हमारा चेंज हो गया था। अब ये माइनस साइन यहाँ पे ऊपर ले गए और यहाँ से हटा दिए क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ पे ले गया इसके पास, तो यहाँ ये बीच में ले जाएगा, ठीक है। अब इतना समझ में आया, अब देखो आप क्या करते हैं, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर इंटू इसका इसके साथ इंटू कर दिया और ये माइनस साइन एज इसका इसके साथ इंटू कर दिया और दोनों को आपस में इंटू कर देंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है 200 हो जाएगा। तो अब देखो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचा 10 अपॉन में क्या बचेगा 20, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारी फोकल लेंथ 1 अपॉन एफ, तो फोकल लेंथ रही फोकल में दी तो ऊपर ले आएंगे, तो हमारी फोकल लेंथ कैसी आ रही पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। अब देखो 20 सेंटीमीटर आई, अभी मान लेते एंड और पूछ लिया था एंड पावर कॉम्बिनेशन, साथ में पावर और कंबाइंड पावर और पूछ लिया थी पावर कॉम्बिनेशन पावर, तो हम यही डायरेक्ट यही पावर की वैल्यू रख लेते, क्या ये हमारी कैसी कॉम्बिनेशन आया दोनों की नेट आई है, तो हम नेट ही हमसे क्या पूछा नेट पावर पूछा, लिख सकते हैं नेट पावर मतलब टोटल पावर कह सकते हैं, तो नेट पावर तो यही वाली फोकल लेंथ लग देंगे, क्या नेट पावर हमारी वही पी नेट इज इक्वल टू में क्या हो जाएगी 1/f नेट। तो सबसे पहले से सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/0 से 1/0 कैंसिल हो जाएगा, 1/0 से 1/0, तो पहले तो ये तो क्वेश्चन का था, इसको तो मैंने यहीं पे एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे करता हूँ ये इस तरीके से 1/0 से 1/0 से 1/0 कैंसिल, तो हमारी मीटर में कितनी आ गई 0.2 मीटर, तो हम यहीं पे सीधे लिख देते हैं 1/0.2 सेंटीमीटर, तो ये 0 बताते तो यहाँ पे 10, तो हमारी पावर कितनी है +5 डायोप्टर आई है। देखो ये पावर आई है दोनों लेंसेज को मिला के पावर आई। देखो यदि हमें एक एक लेंस की बात की जाती, अब देखो हम पहले लेंस की पावर निकालते हैं, इस वाले लेंस की पावर निकालते हैं, तो सेंटीमीटर में दिए तो सबसे पहले हम इसे मीटर में 1/0 से 1/0 कैंसिल करते, देखो ऐसे आने चाहिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो देखो इतना आया समझ में, पहले तो आप ये नेट पावर लिख लो, मैं और रफ करता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है मैंने इसको रफ कर दिया। अब आपको ये तो पता है हमारी नेट पावर कितनी आ रही है, हमारी नेट पावर आ रही है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेट पावर टोटल पावर कितनी आ रही +5 डायोप्टर आ रही। अब हमसे एक एक की पावर भी पूछा जा सकता था कि एक एक की पावर कैलकुलेट करो, तो पावर हम पहले की बात दे पावर ऑफ F1 = 1/f1, तो ये मीटर में ये किसमें दिए सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, 1/0 से 1/0 कैंसिल, तो हमारे यहाँ पे कितना बचता 0.1, तो हम यहाँ पे सीधे लिख देते 1/0.1, तो ये ऊपर जाता तो पहले की पावर हमारे पास कितनी आई +10 आई। अब दूसरी की बात करते हैं, दूसरी के V2 = 1/f2, ठीक है इस तरीके से हो जाएगा, तो इसकी देखो 1/ यहाँ पे देखो ये 20 नहीं, पहले से भी तो किसमें करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरीके से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 1/0 से 1/0 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से कितना बचा कैंसिल किया तो हमारे या नहीं 2 से कैंसिल मत करो सीधा 2 ये यहाँ पर लगाएंगे 0.2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0.2। अब ये किसमें आ गया 0.2 ये मीटर में था, यहाँ 0.2 मीटर में, अब ये पॉइंट यहाँ से हटा के आएंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 10, अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 5 और ये माइनस साइन तो ऊपर चला गया तो कितना आ रहा है -5 डायोप्टर +5 डायोप्टर। जब हमने देखो नेट जब हमारी पी नेट इज इक्वल टू में क्या था +10 डायोप्टर और -5 डायोप्टर, तो हमारे पास पी नेट कितना आ रहा है -5 डायोप्टर। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब नेट पावर से हमारा नेट फोकल ये सब बता चुकी है आपको, नेट पावर से क्या निकलता है नेट फोकल लेंथ निकलती है, सिंगल पावर से क्या निकलेगी सिंगल फोकल लेंथ निकलेगी, ठीक है। अब ये आपको इसमें तो सारे टाइप्स के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, जितने भी टाइप्स के बनते हैं पूरे इस क्वेश्चन ने आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है ये आपका लास्ट टाइप क्वेश्चन बनता है, इस पे बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बाकी आपको सब 12th क्लास में आएगा, जो भी इससे हाई लेवल होगा ना वो सब आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा, 11th क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हमारे पास कितनी दी है 4 सेंटीमीटर दी है, ठीक है ठीक है, ये सॉल्यूशन नंबर 10 है, ठीक है। और उसे कितनी डिस्टेंस पर रखा गया उस ऑब्जेक्ट को, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया,
15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को u, ऑब्जेक्ट माइनस 15 सेंटीमीटर। क्यों? हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है और जो हमारी रेस आती है लेफ्ट साइड से ही जाती है और पोल से हम इस साइड को मेजर करते हैं और इस ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पूरी रेस इस साइड जाती है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों केसेस में हमेशा ऑब्जेक्ट नेगेटिव ही होने वाला है अकॉर्डिंग टू क्लास के तहत, जब तक एक लेंस की बात करेंगे। ठीक है, जब दो लेंस रहेंगे तो हमारी डिस्टेंस भी पॉजिटिव हो सकती है। क्यों? जब मान लिया हमने जिस तरीके से दो लेंस कंबाइन कर दिए, तो कभी ऐसा भी हो सकता है हमारे ऑब्जेक्ट में और बाद में इधर पूछ दिया है, एक और लेंस जोड़ दिया जाए, दूर रख दिया, तो मान लीजिए हमारी एक बार इमेज यहां बन गई, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरे मिरर के लिए ये क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। खैर मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये सब आपको 12th क्लास में पढ़ना है, इसलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके ऊपर। तो हम सीधा अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और उसके पास क्या है, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस, जो हमारे पास किधर रखा है, फ्रंट में रखा है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस यहाँ पे लिखना, कॉनकेव, कॉनकेव लिखना है, कॉनकेव लेंस, तो ये इस तरीके से हमारा कॉनकेव लेंस बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। इसके सामने रखिए, इधर रखा है, इधर ऑब्जेक्ट रखा है, कितने दूरी पर रखा है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है, जिसकी डिस्टेंस सेंटीमीटर, ये हाइट इतनी 10 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और साथ में क्या दिया, और उसकी पावर दी है, पावर देखो अलग दी है, माइनस 10 डायोप्टर, माइनस भी उससे हम सीधा बता सकते थे ये कौन सा लेंस है, कॉनवेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, हमें बताने इसकी साइज बतानी है। ठीक है भाई, साइज बताने में हमें क्या दिक्कत है, साइज, साइज हम किस तरीके से बता सकते हैं, मैग्निफिकेशन हमारे पास बने, एच आई अपॉन साइज ऑफ द इमेज, मतलब की हाइट ऑफ द इमेज, ये हाइट बतानी है, एच आई बतानी है, एच आई फाइंड करें, किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, डायरेक्टर से आप क्या निकाल सकते हो, फोकल लेंथ। ठीक है, हमारे पास चलो फोकल लेंथ भी मिल जाएगी, आप क्या निकाल पाओगे। ठीक है, तो आप आओगे हमारे पास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, यहाँ ये दो फॉर्मूले होते हैं, क्यों देखो ये याद रखना, ये लेंस का है, हमें लेंस की बात ही चल रही, मिरर की बात नहीं चल रही। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे दो फॉर्मूले, तो अब क्या करेंगे, दोनों में सेम होगा तो हमें एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल टू में इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि हम ये फोकल लेंथ मिल जाएगी तो हम मेरे लेंस वाले फॉर्मूला से वी निकाल लेंगे, वी निकालने के बाद ये भी हो जाएगी, ये भी गिवन है, ये तो हमारे पास गिवन ही है, ये हमारे पास गिवन है, सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम ये फाइंड कर लेंगे। तो ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं, फोकल लेंथ, तो पावर कितनी थी, फोकल लेंथ इज इक्वल टू उल्टा कर देंगे 1/p, तो पावर 1/10 डायरेक्टर। ठीक है, ये अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर हमारी कितनी जाएगी 0.1 मीटर, ये क्या आ गई, फोकल लेंथ आई है लेकिन मीटर में, और बाकी यूनिट हमारी किसमें दी है, सेंटीमीटर में, तो हमको सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी सेंटीमीटर, देखो अब तो हम क्या करेंगे, पावर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से इंटू कर देंगे, ये 100 से इंटू कर दिया, 10 से 10 कैंसिल, तो पावर आई हमारी 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, या आप सीधे कर देते यहाँ पे 100 का इंटू कर देते, ऊपर 100 लग देते हैं, हमने आपको एक फॉर्मूला था, पावर इज इक्वल टू 1/10 में ये 100/p, तो इससे हमारी जो फोकल लेंथ आती है, जो फोकल लेंथ आती है वो हमेशा किस में आती है, यदि ऊपर हमने 1 की जगह 100 लगा तो वो सेंटीमीटर में आएगी, तो इससे क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा सीधा सेंटीमीटर में आएगी 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारी कैसी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। तो ठीक है, फोकल लेंथ भी निकाल आई, अब फोकल लेंथ से हम क्या निकाल सकते हैं, अब फोकल लेंथ भी निकाल आई, अब सीधे मेरा लेंस फॉर्मूला रखेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v एज इट इज रखा, ठीक है, माइनस 1/u माइनस 15 इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ ये माइनस 10 था तो यहाँ पे भी हमारा ये माइनस था तो माइनस साइन यहाँ पे भी लगता, तो यहाँ पे भी कैसी होती, माइनस 10 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कैंस कैसी होती, माइनस 10 हुई, फोकल लेंथ माइनस 10 क्योंकि पावर हमारी माइनस, कॉन्वेक्स लेंस में कॉनकेव लेंस की बात की गई, कॉनकेव लेंस में हमारी पावर कैसी लेती, फोकल लेंथ माइनस, तो हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कैसे होगा, प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब इसको 1/v इज इक्वल टू में ये माइनस 1/10, देखो ये सबसे पहले साइन का ध्यान रखो, ये माइनस था, इस माइनस के साइन को हम ऊपर ले गए, अब इसको साइन ले गए तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 15 इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका साइड माइनस 15, इसको साइड माइनस 10, इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे तो कितना होगा, माइनस 50, तो यहाँ पे करेंगे 125/150, तो इसको कैंसिल करेंगे 150 से, तो यहाँ पे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 25 6 150, तो हम सीधे v, तो 1/v इज इक्वल टू में कितना आएगा, 1/150
सिक्स माइनस सिक्स आएगा, ये माइनस का साइन। अब इसको उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे तो वी कितना आएगा हमारा सिक्स, क्या आपको बोर्ड पे दिख रहा है? हाँ, तो वी हमारा कितना आ रहा है? पॉजिटिव सिक्स। यहाँ पे ले लेता हूँ, फोकल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? माइनस सिक्स सेंटीमीटर, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी तो इसकी भी हमारी किसमें आएगी? सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास सब निकल के आ गया। अब सीधा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आती है हमारे पास? इज इक्वल टू में एच आई अपन में एच ओ एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बी अपन में यू। इन दोनों मैग्निफिकेशन से हमारा तीसरा फॉर्मूला बन जाता है ये कुछ इस तरीके का। इससे आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू नहीं निकालना पड़ती, नहीं आप यहाँ में रखते मैग्निफिकेशन की वैल्यू, सॉरी इसमें रखते फिर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालते फिर आप जाके आंसर दे पाते। ठीक है, आप सीधी एच आई, हमको एच आई चाहिए, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, इज इक्वल टू वी माइनस सिक्स, यहाँ पर माइनस सिक्स। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितनी दी है? 15, माइनस का 15, माइनस से माइनस साइन कैंसिल। ठीक है, माइनस से साइन, दोनों की माइनस साइन हमारे कैंसिल हो चुके हैं, तो हम इसे कैंसिल करेंगे, सिक्स से थ्री से कैंसिल, थ्री टू या सिक्स, और यहाँ पे बचेगा थ्री फाइव या 15। अब इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे तो हमारे पास एच आई इज इक्वल टू में एट अपॉन में थ्री। अब इसे थ्री से कैंसिल करते हैं, थ्री टू या सिक्स, क्या हो गया? थ्री टू या सिक्स, और यहाँ पे ऑफ है थ्री सिक्स या टू बचा, यहाँ पे फिर थ्री टू या सिक्स टू, एक पॉइंट लगा दिया हमने, और यहाँ पे जाएगा सिक्स, यहाँ पे ले सकते हैं ऐसे सिक्स 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 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या हो जाएगी? हमारी हाइट हो जाएगी। बस यही पूछा था, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म होता है। क्या यही आएगी हमारी हाइट? एक मिनट, यहाँ पे हमारा 15, सॉरी यहाँ 5 बचेगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, 5 बचता हमारे यहाँ 5, ये अब इसके साथ इंटू करेंगे 8 अपॉन में 5, तो अब यहाँ से 5 बन जा 5, अब यहाँ पे कितना बचा 3, पर एक पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे कितना लगा 0, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो हमारी हाइट साइज ऑफ द इमेज या हाइट ऑफ द इमेज क्या थी? 1.6 सेंटीमीटर, यही हमारी इसकी इमेज की क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, पहली बात तो ये हमारा इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में पूरी के पूरी हमारी साइड ही बनती है इमेजेस, और साइड इमेज बन रही है तो मतलब कैसी बनती है? ऊपर ही बनती है साइड, और साइड इमेज तो बनती नहीं है, सिर्फ दो केस होते ही है। तो ठीक है, यही थे हमारे आज के क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपको कोई भी बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यदि पूछा भी गया तो आप हमारी कमेंट में कर सकते हो, तो हम उसे आपका एक एक आंसर का जवाब देखें, या तो आप हमारे लिए इंस्टाग्राम पर भी हमने आपके लिए लिंक डाल रखी है, उसमें भी आप हमको कमेंट कर बता सकते हो। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।